बाबा बार बार रोज याद दिलाते हैं कि तुम एक एवर प्रेजेंट पीसफुल साइलेंट बीइंग हो जिसकी हर भावना हर संकल्प जिसका नेचर बाबा समान है फिर ये भी याद दिलाते हैं कि तुमने देवी देवता का पार्ट भी प्ले किया और इस लिविंग लाइट को याद दिला रहे कि देवी देवता का पार्ट भी प्ले किया है शुद्रा का पार्ट भी प्ले किया है ब्राह्मण पार्ट भी प्ले कर रही है लिविंग लाइट और अब वापस देवी देवता का पार्ट प्ले करेगी पार्ट सही ये मैं नहीं हूं ना मैं देवी देवता हूं ना ही मैं शूद्र हूं ना ही मैं ब्राह्मण हूं और ना ही मैं हूं ये सब मेरे अंदर पार्ट्स है मैं देवी देवता बनती हूं मतलब मैं पार्ट प्ले करती हूं अमिताभ कुली बनता है मतलब कुली का पार्ट प्ले करता है वापस देवी देवता बनना है मतलब वो पार्ट प्ले करना है क्योंकि आत्मा कुछ बन नहीं सकती बनने का मतलब पार्ट प्ले करना तापकोली बन नहीं सकता पार्ट प्ले करना थोड़ी देर के लिए कभी देवी देवता बनकर पार्ट प्ले करते कभी शुद्रा कभी ब्राह्मण कभी एंजल सिर्फ पार्ट्स पर एवर प्रेजेंट प्रकाशित सभी अनुभवों को करने वाली सब पार्ट्स से परे मैं रीडर ऑफ द बुक हूं पापा के साथ किताब पढ़ रहे किताब में एटी फोर चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर की अपनी एक अलग कहानी है और हर कहानी में एक मेन कैरेक्टर है शब्दों से बना हुआ है संकल्पों से बना हुआ है और साथ में दूसरे कैरेक्टर्स भी हैं हर चैप्टर में शब्दों से और संकल्पों से इमेजिनेशन से बने हुए हैं सब हर चैप्टर में अलग अलग लैंडस्केप भी है

जब रीडर बहुत डूब जाता है कहानी में कहानी में घुसा नहीं है पर डूब जाता है कहानी में तो अपने आप को कहानी के मेन इमेजिनरी शब्दों से बना हुआ परसोनिफाइड शब्द देखने लगता है परसोनिफाइड मतलब शब्दों को एक रीडर किताब का किताब को पढ़ने वाला रीडर शब्दों के आधार पर उस शब्दों से एक इमेजिनरी अपने मन में एक इमेज बनाता है शब्दों के आधार पर और शब्दों के साथ जो भाव जुड़े हुए हैं उसके आधार पर जो सीखे हैं उसने फिर वो इमेज जो उसके मन में बैठी उसके आधार पर वो पूरा चैप्टर पढ़ता है ऐसे लगता है कहानी का हर इमोशन फील होता है हर चैप्टर की कहानी का ऐसे 83, 84 चैप्टर्स पढ़ता है पर एटी चैप्टर में जागता है तब उसे पता चलता है इधु शब्दों से संकल्पों से बनी हुई एक कहानी थी जिसको वो अपने माइंड की इमेजिनेशन के द्वारा रियल फील कर रहा था बॉडी में सेंसेशंस भी फील हो रही थी तो और रियल लग रहा था तब मदर आती है याद दिलाती है जैसे ही वो मदर की तरफ देखता है रीडर कहानी को पढ़ने वाला किताब को पढ़ने वाला सीरियलाइज होता है कहानी के चैप्टर में जो रियल फील हो रही थी सारी इमेजेस वो दुनिया ही अपनी लग रही थी चैप्टर के अंदर और अब क्लाइमैक्स है दुनिया मतलब सबके हाव भाव कहानी के सारे पात्रों के हाव भाव इमोशंस फीलिंग्स सब इतने रियल लग रहे थे जैसे ही अपनी मदर की तरफ देखता है रीडर पता चलता है वो तो कहानी से बाहर है एक्चुअल में कहानियां तो उसके मन के अंदर थी हाव भाव के रूप में इमोशंस के रूप में शब्दों के रूप में संकल्पों के रूप में किताब में तो सिर्फ शब्द ही थे बाकी उसकी इंटरप्रिटेशन तो सब उसके मन में थी जिस भाव से उसने उसको पढ़ा सब उसके मन में थी हमारे साथ भी यही है हम लिविंग लाइट्स जैसे रीडर का जिस चैप्टर पे अटेंशन था वो चैप्टर अलाइव लग रहा था जिंदा लग रहा था रियल लग रहा था ऐसे ही मैं आत्मा लिविंग लाइट जिस थॉट पर जिस फीलिंग पर अपनी लाइट शाइन करती हूँ अपना अटेंशन देती हूं वो अनुभव रियल लगता है स्टोरी गोज ऑन स्टोरी ends. कहानी चलती रहेगी कभी खत्म नहीं होगी किताब के रीडर को कुछ नहीं हुआ है कोई संकल्प कोई फीलिंग उसको टच नहीं कर पाई चेंज नहीं कर पाई silence साइलेंस देख रही हूँ कल की मूली कंटिन्यू रखेंगे वैसे तो पर आज की मुरली में जो ब्लेसिंग है जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते सदा बिंदी रूप में स्थित रहे हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं उन्हें ही विघ्न विनाशक कहा जाता है वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं वह अपनी सफलता की स्वस्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं हु? सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं तो कल क्वेश्चन था ना एक रस स्थिति में कैसे स्थित रहे हम्म कैसे अपने वैसे तो हमने कई बार इसको देखा है पर जो अभी नए नए आए उनके लिए भी बहुत यूजफुल है ये देखना कि एक रस स्थिति में हम सब कैसे रहें? हम्म एक स्थिति मतलब जो बाबा ने इस मुरली में जो हम कल पढ़ रहे थे उसमें बताया है सदा खुशियों के भंडार हो इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी है मन पसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहां ही रह जाता लक्ष्य हद के बन जाते इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो बने हो मतलब इसलिए पार्ट प्ले कर रहे हो ये क्लियर हुआ ना बने हो का मतलब हम्म अच्छा इसलिए ये रूहानी जीवन अपनाई है यह तो साधारण जीवन है इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता तो कोई भी कर्म करो चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी रूहानी मौज बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है अर्थात हद में ले आती है नीचे ले आती मतलब हद आज मौज कल मूंज आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती है तो बाबा ये भी बोल रहे हैं जो लिमिटेड खुशी है वो भी नहीं खुशी से वंचित कर देती है तो दो खुशी की बात कर रहे हैं एक हद की खुशी एक बेहद की खुशी राइट बाबा दो खुशी की बात कर रहे हैं खुशी से वंचित कर देती है ऐसी सेवा को छोड़ दो लेकिन अब जिस खुशी की बात कर रहे हैं वो निरंतर खुशी जो हम ब्रैकेट में बोल रहे हैं खुशी को नहीं छोड़ो सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का बेहद की खुशी का अनुभव कराती है अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स्ड है सच्ची सेवा नहीं है यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व-उन्नति स्व-प्राप्ति संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई जहां संतुष्टता की महानता होगी वहां अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी ही सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना न कि कांटों के जंगल में फंसना अब ये सब इतनी पोएटिक लैंग्वेज है अगर नहीं अगर आप ध्यान दोगे तो ये भाषा में ही फंस जाओगे आप समझ ही नहीं आएगी आएगी <laughs> नहीं तो अभी हम देखेंगे इस सबको हाँ जो बाबा ने बोला है पैसेज में उलझन अप्राप्ति मन की मूंज और मौज अभी अभी मूंज यह है कांटे मन खुश मन मूंज में कंफ्यूज है मन खुश है यह सब है कांटे मतलब जो जो कि आपका ट्रू नेचर नहीं है राइट ट्रू नेचर नहीं है कांटे को निकालने के लिए क्या यूज किया जाता है जनरली कांटे को निकालने के लिए कांटा ही यूज किया जाता है ना हम्म, hmm. है ना? तो बाबा कांटे निकालने के लिए मतलब जो मेरा ट्रू नेचर नहीं है उससे मुझे अलग करने के लिए शब्दों को ही यूज करता है क्योंकि मैं शब्दों में ही फंसी हुई हूं है ना, हमने देखा था ना कहानी की किताब किससे बनी हुई है चैट खोल देती सॉरी कहानी की किताब किससे बनी हुई है शब्दों से सिर्फ शब्द हैं उन शब्दों को पढ़ता कौन कैसे है हर रीडर का भाव अलग होगा पढ़ने का हर रीडर का एक्सपीरियंस अलग होगा सेम किताब से सेम कहानी से अनुभव अलग है हर रीडर का राइट right? ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाँ अभी हम जो देखेंगे उसके लिए इसलिए उसके ऊपर थोड़ा जोर दे रही है <laughs> हम्म तो बाबा कह रहे हैं इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है सबसे बड़ा कांटा है रेजिस्टेंस टू व्हाट इज कौन सा है सबसे बड़ा कांटा विरोधाभास क्या बोलेंगे जो भी अनुभव है इस, इस क्षण में उसका विरोध सबसे बड़ा कांटा हम्म है ना वर्तमान से असंतुष्ट हाँ ये राइट हिंदी ट्रांसलेशन वर्तमान से असंतुष्ट अस्वी अस्वीकृति अच्छा वर्तमान से असंतुष्ट है ना ये सबसे बड़ा कांटा है तो बाबा बोल रहे हैं कि उलझन अप्राप्ति मन की मूंज और मौज ये सब कांटे हैं तो बाबा तो बोलते हैं फिर मन को खुश रखो और एक तरफ बोल रहे हैं कि मन की मूंझ और मौज दोनों ही कांटे हैं जब मन की खुशी डुअलिटी वाली खुशी है निरंतर नहीं है टेम्प्ररी है वो खुशी कांटा है क्योंकि वो कंफ्यूजन पैदा करेगी वो खुशी है ना याद है हमने देखा था ब्लू पैच और ग्रे क्लाउड्स का पैच वो मन देता है ना थोड़ी देर के लिए वो आत्मा को देखता है तो दो मिनट की खुशी मिलती है उसको वो मन आत्मा की सत्य को देखता है ना साइलेंट सत्य को थोड़ी देर के लिए संकल्प हटते हैं और साइलेंट सत्य को देखता है आत्मा की तो बड़ी उसको बड़ी खुशी होती है दो सेकेंड दो मिनट जो भी है उसमें बड़ी खुशी होती है मन को भी एक्चुअल में मर्ज ही होना चाहता है वो अलग नहीं रहना चाहता वो संकल्पों से मुक्त होना चाहता है ना तो वो बादलों से मुक्त होना तो बड़ा खुश होता है अब अगर मैंने मन से अपनी पहचान बनाई हुई है तो वो दो वो जो पैच दिखा ना दो मिनट का मुझे लगेगा वो खुशी मैं हूं और वो ग्रे क्लाउड्स का पैच है ना वो भी मैं हूं ये खुशी है ये गम है ये भी मैं हूं और ये भी मैं हूं ये दोनों मैं हूं मन ने आपको दो मिनट का अनुभव दिया आपके ट्रुथ का पर वो दो सेकंड दो मिनट का अनुभव आप नहीं हैं वो मन आपको कॉपी कर रहा है ताकि वो आप में मर्ज हो जाए हां है ना ये ब्लू पैचेस दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में मन देख रहा है आत्मा को ही पर उसको लग रहा है ये भी बादल ही है ये ब्लू बादल ये ग्रे बादल राइट right? तो बाबा जो हमें बता रहे हैं कि ना ये जो मन देख रहा है ना ब्लू तुम्हारे यहां ट्रुथ और दो मिनट के लिए खुश हो रहा है ये तुम नहीं हो नहीं ही ये जो बादल दिख रहे हैं ये तुम हो तुम एक सिर्फ पीछे जो नीला आकाश जिस जो जिसको कोई बादल टच नहीं कर सकता वो तुम ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग निरंतरता को समझने के लिए आत्मा के सुख की निरंतरता को समझने के लिए हम्म नहीं तो सुख की निरंतरता को समझ नहीं पाएंगे तो जब हम देखते हैं ना हाँ ये क्लाउडलेस स्काई एकदम नीला आकाश है ना ये मैं हुँ? और बादलों को देखने वाली भी मैं हूं पर मन जो है वो मेरा थोड़ा सा पैच देख रहा है मेरा ट्रुथ देख रहा है थोड़े से संकल्प छटे तो वो मेरा ट्रुथ देख रहा है पर क्योंकि मैं मन से इतनी आइडेंटिफाइड हूं मुझे लगता है मैं वो दो मिनट वाला सुख हूं ये थोड़ा सा क्लियर हुआ हम्म अच्छा तो अभी हम देखेंगे ये क्या होता क्या है जो बाबा बोल रहे हैं कि ये कांटों से किनारा करो ये बेहद की खुशी का अनुभव करो कांटों के जंगल में मत फसो फूलों के बगीचे को हरा भरा अब ऐसी भाषा तो कोई कवि होगा तो समझ आएगा उसको नहीं तो, तो मुश्किल है समझना हम्म क्या मन के लिए पूर्ण विराम स्थल आत्मा है नहीं समझ आई मुझे ये हिंदी एक्चुअल में <laughs> हम्म थोड़ी सी इजी हिंदी लिखेंगी तो मुझे भी समझ आएगी हाँ सेंस ऑफ सेल्फ समझता है वो दो मिनट की खुशी हाँ है ना वो दो मिनट की खुशी मन की खुशी आपकी नहीं है, है ना तो अब हम देख रहे हैं कि ये एक टेलीविजन है राइट right? टीवी है टीवी स्क्रीन दिख रही आपने कंटिन्यूटी के लिए कल पूछा था ना? हमने कल ये देखा था सबसे पहले ये देखते हैं कल हमने तीन लेयर्स देखी थी राइट right? <coughs> तीन लेयर्स अब ये जो संकल्प है ये क्या है कांटे कांटे हाँ? पर ये जो कांटे हैं मैं कांटे का अपने आप को जो एकदम क्या बोलते हैं द वन कंप्लीटली फॉर्मलेस थॉटलेस बींग जब अपने आप को संकल्प का स्वरूप समझती हूं तो मैं कांटे का स्वरूप बन जाती हूं बन जाती मतलब मैं कांटे का पार्ट प्ले करती हूँ उस वक्त है ना कांटे का पार्ट प्ले करती हूं तो अब हमने जब ये तीन लेयर्स को पहले अलग करना बहुत बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक मैं आत्मा अपने आप को इस बंडल ऑफ सेंसेशंस और इन बादलों से इन कांटों से अलग नहीं करूंगी कांटा खराब चीज नहीं है हाँ कांटा सुनते ही लगता है खराब नहीं कांटा इज जस्ट समथिंग विच इज नॉट यू जो आप नहीं है वो है कांटा हम्म तो वो कांटे जो दिख रहे हैं ना वो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक दो सेकंड का खेल है वो आपके अंदर है तो ये सब कुछ इस दुनिया का अनुभव भी फिजिकल वर्ल्ड का अनुभव भी आत्मा के मन के द्वारा करती है आत्मा है ना सोल इज एक्सपीरियंसिंग फिजिकल वर्ल्ड थ्रू माइंड एंड बॉडी इसलिए हमने बोला था लिविंग ड्रामा जो है वो है माइंड बॉडी का अनुभव उसको बोलते हैं लिविंग ड्रामा क्योंकि वो अलाइव फील होता है बाहर कुछ है नहीं पर वो अलाइव और रियल फील होता है क्योंकि वो मुझे बॉडी की सेंसेशंस में और मन में जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है, है ना पेंटिंग को देख के जो मेरे मन ने सोचा उस सोच को मैंने अनुभव किया देह में कितना सुंदर पेंटिंग पेंटिंग फिर बॉडी की सुंदरता वो सुंदर डिस्क्रिप्शन मेरे बॉडी में एक फीलिंग क्रिएट हुई उसकी अच्छी अच्छी फीलिंग वो जो थॉट का क्रिएशन स्क्रिप्ट के अनुसार और बॉडी में सेंसेशंस की अनुभव सुंदर अनुभव सेंसेशंस का वो है लिविंग ड्रामा ये थोड़ा क्लियर हो रहा है मैं थोड़ा सा सूक्ष्म में बोल रही हूं क्योंकि तो अलग अलग सब अनुभव करते हैं तो पेंटिंग आपको अनुभव दे रही है या आपके स्क्रिप्ट के अनुसार जो माइंड में थॉट्स चल रहे हैं और बॉडी में सेंसेशंस प्रोड्यूस हो रही है वो अनुभव दे रही है ड्रामा का बाहर नहीं बाहर तो सिर्फ पदार्थ है बाहर क्या है सिर्फ पदार्थ ऑब्जेक्ट्स हैं अनुभव कहाँ है माइंड और बॉडी में इज इट ट्रू ये किस किस का अनुभव है हम तो अपने अनुभव को देख रहे हैं आत्मा अपने अनुभव को देख रही है बिलीफ सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे हम दूसरा अनदर बिलीफ सिस्टम बाबा क्लैरिटी दे रहे हैं बिलीफ सिस्टम नहीं क्रिएट कर रहे हैं आपके अनुभव में है ये हाँ तो जब ये मेरा अनुभव है तो बाहर के सीन और बाहर की चीजें उसमें कुछ रियलिटी दिखेगी आपको हाँ माइंड अपने हिंदी में बोलना है इसको कैन वी सी दैट माइंड इज परिंग फ्रॉम पेंटिंग एज पर स्क्रिप्ट एप्सल्यूटली माइंड परसीव कर रहा है पेंटिंग को देखकर तभी तो बाबा बोलते ना कर्मेंद्रियों को जीतो अब कर्मेंद्रियों को हम सोचते हैं आंख कान नाक मुंह स्थूल में देखते हैं है ना आंख कान नाक मुंह डेड बॉडी में भी होती क्या उसमें है कुछ देखने की क्षमता टेस्ट करने की क्षमता कहीं नहीं है कुछ भी नहीं है क्षमता वो क्षमता कहां है माइंड के थ्रू आत्मा एक्सपीरियंस करती है मन बुद्धि संस्कार के थ्रू जो अब आंख नहीं बोलेंगे हम जो भी दिख रहा है वो अनुभव माइंड के थ्रू आत्मा कर रही है ट्रू हम्म ये बहुत क्लियरली समझने जरूरी है हा पेंटिंग अराइज करती है इमोशन को नो no. पेंटिंग तो लाइफलेस है वो क्या अराइज करेगी मेरे अंदर इमोशन को पेंटिंग तो न्यूट्रल चीज है अब उसको देखकर हर हरेक का अनुभव हरेक आत्मा का अनुभव अपनी स्क्रिप्ट के अनुसार होगा ये ये क्लियरली समझे हाँ थोड़ा इसको मैं बार बार जोर दे रही हूं समझें इसको हाँ पेंटिंग को देखकर मन में संस्कारों के आधार पर संकल्प क्रिएट होते हैं है ना क्या हम कह सकते हैं कि मन की पेंटिंग से अनुभव क्रिएट सिक्रिट अनुसार करती है स्क्रिप्ट अनुसार करती है पेंटिंग से अनुभव स्क्रिप्ट अनुसार करती है बिल्कुल मन की इंटरप्रिटेशन अलग है हरेक आत्मा की मन की इंटरप्रिटेशन अलग है थोड़ा और क्लियर करिए अच्छा ओके <laughs> ओके okay, okay. ओके okay. ये पेन है हाँ अब मैं आप सबसे पूछती हूँ ऑब्जेक्ट एक है हर एक की डिस्क्रिप्शन उसकी अलग होगी क्यों अगर मैं पूछूंगी आपको ये अच्छा लगा कोई बोलेगा बदसूरत है कोई बोलेगा बहुत सुंदर है कोई बोलेगा ठीक ठीक है <laughs> हम्म अनुभव सबका अलग अलग है ना नहीं है अलग अलग अनुभव इसका चीज तो एक ही है चीज तो एक ही है अनुभव कहाँ हो रहा है बाहर या मन में आत्मा के हम्म मन के माध्यम से आत्मा अनुभव करिए यूएस मेड है हाँ <laughs> हम्म देखो मेरे तो दिमाग में भी नहीं आया यूएस मेड मन में किसी के और के आया यूएस मन में तो उनका इंटरप्रिटेशन अलग मेरा इंटरप्रिटेशन अलग है ना इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट यू आर सीइंग अलग अलग है मैं अपने संस्कारों के चश्मे के थ्रू देखकर अपनी इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट करती हूँ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना नजर एक ही है नजरिया अलग है वंडरफुल वंडरफुल नजर एक ही है नजरिया अलग है मन के दृष्टिकोण के आधार पर अनुभव है। अब अब क्लियर हुआ? अब सामने मदर इन लॉ को देखो हस्बैंड को देखो आपका नजरिया अलग है उस एक को देखने के लिए सबके नजरिए अलग अलग है हम्म आपके अंदर जो पुराने संस्कार हैं, उसके आधार पर आत्मा उससे अपनी पहचान बनाकर फिर वो इमोशंस क्रिएट होते हैं ये क्लियर है हाँ जी बोले नीलम हाँ तो आप तो ये समझाना चाहते हो ना हमें कि लाइफ का हर सीन जो सामने आर गुजर रहा है वो एक लाइफलेस पेंटिंग है चाहे वो कोई ह्यूमन बीइंग है चाहे वो कोई भी है वो एक लाइफलेस पेंटिंग है उसको हम अपने संस्कारों के हिसाब से या उसको प्रसीव जैसे करते हैं उस चीज को देखकर वैसी धारणा अंदर बनाते हैं तो उसका तो कोई कीमत ही नहीं है जो बाहर है वो तो लाइफलेस है चाहे वो लोग हैं चाहे वो जॉब्स हैं चाहे वो कुछ भी है असली ड्रामा यहां प्ले होना शुरू होता है तो जो मैं परसीव करती हूं जो वहां से वो लाइफ ड्रामा शुरू होता है ना तो उसके हिसाब से सोल जैसे उसके साथ बहती है तो हाँ, सफरिंग फील करती है नहीं तो हाँ, फिर वो अपने पीस ने पीसफुलनेस में रहती हाँ, है ना तो हाँ, बाहर तो कुछ है ही नहीं हाँ, सब पेंटिंग्स हैं जो हाँ, लाइफलेस हैं बिल्कुल हाँ जी है ना बाहर हाँ, सिर्फ लाइफलेस बॉडीज हैं और लाइफलेस पेड़ हैं लाइफलेस माउंटेंस हैं एक्चुअली उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बाकी सब मन के हैं बाकी सब कुछ पूरी उसके बारे में कहानी उसका डिस्क्रिप्शन उसके साथ अनुभव वो सारे रंग मन के अंदर है जैसे हम कभी कहते हैं ना ये अच्छा होता तो मुझे अच्छा लगता नहीं हाँ ये इसका अच्छा होना ना होना बिल्कुल न्यूट्रल होता हाँ ये अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट बाहर एवरीथिंग इज न्यूट्रल यस एक पेंटिंग है लाइफलेस पेंटिंग ही है ना सामने जो भी दिखाई दे रहा हो, एक पेंटिंग बिल्कुल, बिल्कुल। एकदम कुछ उसमें नहीं है कि वो मेरे अंदर कुछ प्रोड्यूस करे मैं अपने आत्मा अपने संस्कारों के वश होकर फिर अपने ही संस्कारों के रंग में रंग कर mm. मैं बाहर की चीज को देख रही तो दोषारोपण कहा मन रहा है चीजों से बाहर बात ही ऐसी थी क्या करूं <laughs> तो फिर कंटिन्यूटी किस अनुभव की लगती है संस्कारों के रंग की कंटिन्यूटी लगती है ये जो टीवी पे देख रहे हैं ना है ना ये जो भी टीवी पे दिख रहा है आपको एक्चुअल में कंटिन्यूअस अनुभव नहीं है अनुभव कंटिन्यूअस नहीं है एक अनुभव आता है एक थॉट आता है ब्यूटीफुल डे वाह आज सैन फ्रांसिस्को में कितना सुंदर दिन है उसका आदि है उसका अंत है फिर नेक्स्ट थॉट आता है पता नहीं हो सकता है कल बारिश हो जाए चलो अभी आज वॉक पे चली जाती है हम्म बाहर कुछ नहीं है सब आ रहा अनुभव यहाँ हो रहा है <laughs> हम्म फिर मन बोलता है कि क्योंकि बारिश होती है ना फिर घर में बैठना पड़ता है अकेले कम से कम बाहर वॉक पे जाते हैं तो ठीक तो लगता है फिर घर पे बैठे बैठे सेंसेशंस होती है भूख की फीलिंग आती है फिर खाने की इच्छा होती है बारिश बना लेते हैं हाँ? फिर ये आती है। इस सब के पीछे एक कोई है जो इन संस्कारों को इन इस सारे अनुभवों के पीछे एक कोई है जो कि बिल्कुल अनफेक्टेड है जो कि कंटिन्यूस है जो किसी भी संस्कार के रंग के परमानेंट रंग में नहीं फंस सकता किसी भी अनुभव के परमानेंट रंग में नहीं फंस सकता है ना क्योंकि हर फीलिंग हर थॉट हर सेंसेशन का आदि मध्य और अंत है है हर फीलिंग हर थॉट हर सेंसेशन का आदि मध्य और अंत है ये ब्रोकन है टूटा हुआ खंडित है खंडित बाबा बोलते तुम्हारी खुशी अखंड है तुम्हारी जो खुशी क्या है खुशी आत्मा का नेचुरल नेचर है फिर बाबा ने कहा मन की जो खुशी है और मन की जो मूंज है वो तुम्हें तुम्हारे लिए कांटे हैं तो ये जो भी मन के थॉट्स फीलिंग सेंसेशंस अलग एक वर्ड के रूप में नहीं इसीलिए इमेजेस लगाई है माइंड की स्क्रीन के ऊपर आत्मा की स्क्रीन है ये पीछे व्हाइट बैकग्राउंड दिख रहा है ना कहीं कहीं छोटा फोटा पीछे एक प्लेन बैकग्राउंड है जो भरा पड़ा है इमेजेस के साथ दिख रहा है पीछे टीवी का व्हाइट बैकग्राउंड सबको वो व्हाइटनेस आप हो वो आप हो ये रंग बिरंगे इमेजेस के साथ बॉडी भी सॉलिड दिख रही है फील हो रही है बॉडी भी कहा फील होती है तभी तो अल्साइमर पेशेंट को पता नहीं चलता है बाथरूम कब जाना है, बॉडी में कहीं लगी कि नहीं लगी क्यों क्योंकि सेंसेशंस होती? माइंड में माइंड काम नहीं कर रहा है न्यू बॉर्न बेबी को पता चलता है क्या उसको बाथरूम जाना है तभी तो डायपर पहनाते हैं <laughs> hmm? <laughs> कहने का मीनिंग है अनुभव सारे माइंड के थ्रू हो रहे हैं और इसीलिए आत्मा सबसे ज्यादा फंसी हुई कहा है माइंड में फंस गई तो माइंड कभी तो देता है आत्मा का ट्रुथ दिखाता है तो कभी कुछ और दिखाता है तो कभी कुछ और दिखाता है और जब तक मैंने माइंड के अनुभवों से बॉडी की सेंसेशंस भी माइंड में अनुभव हो रही है उन सबसे अपनी पहचान बनाई तो मुझे अपनी खुशी अखंड वाली रियल महसूस नहीं होगी मुझे ये जो मन की खुशी गम खुशी गम खुशी गम का अनुभव वो रियल महसूस होगा हम्म तो जो कंटिन्यूटी है जो इन सारे टूटे फूटे सा अनुभवों को एक साथ एक, एक तार में जोड़ रहा है वो अखंड खुशी का बैकग्राउंड मैं हूं तभी तो देखो हम हमेशा ये बोलते हैं आई एम दिस आई एम दैट आई एम फाइव ईयर ओल्ड आई एम टेन ईयर ओल्ड आई एम ट्वेंटी ईयर ओल्ड ये आए किस कौन है जो बिना सोचे कहीं ना कहीं आप उस आए की रियल आए किसको रेफर कर रहा है जो कि हमेशा एवर प्रेजेंट है सारे अनुभवों के थ्रू ये कौन है जो आए बोल रहा है मुझे अभी सैडनेस का अनुभव हुआ मुझे अभी दुख का अनुभव हुआ मुझे अभी सुख का अनुभव हुआ मुझे अभी डिप्रेशन का अनुभव हुआ मुझे अभी बारिश का अनुभव हुआ मुझे अभी भूख का अनुभव हुआ मुझे अभी बीमारी का अनुभव हुआ ये मुझे कौन है बस कोई ठीक करना है यही बीमारी है और यही सोल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों यही है <laughs> हाँ अगर ये एवर प्रेजेंट लिविंग बीइंग है मुझे तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मुझे और अनुभव मुझे और अनुभव मुझे और अनुभव पर अगर ये मुझे अनुभव बन गई मन के तब क्या लगेगा अरे मैं कभी खुश हूं तो मैं खुशी हो गई मन की थोड़ी देर वाली मैं दुखी हूं तो मैं दुख हो गई मन की थोड़ी देर वाली मैं उसके रंग में रंगती जा रही हूं जब मैं तो बेरंग हूं पर मैं मन के हर अनुभव के रंग में रंगती जा रही तो जब बाबा कहते हैं मेरे रंग में रंगो बेरंग है वो बाबा के पास कोई रंग है नहीं है वो तो निरंतर एक रस है सफेद है सिर्फ सफेद भी एक भम रंग भाषा यूज कर रहे हैं प्लीज अंडरस्टैंड सफेद मींस कांस्टेंट, निरंतर जिसमें कोई दूसरा रंग का स्प्लैश नहीं है हाँ बेरंग मींस अभोक्ता बेरंग मींस असोचता बेरंग मींस अकर्ता True? अनुभवों से परे अनुभव उसको टच नहीं कर सकते अनुभव उसको उसकी फीलिंग चेंज नहीं कर सकते मीनिंग ये टच नहीं कर सकते मतलब उस परमात्मा को वो ब्रह्मा के तन में आके पूरा ज्ञान देता है अनुभव उसको देने का उसकी निरहंकारिता को चेंज नहीं कर सकता कर सकता है उसकी निरहकार को चेंज नहीं क्यों क्योंकि किसी ने पूछा फिर हम डूअर कैसे नहीं है कर तो रहे ना हम सब कोर्स आत्मा सब परफॉर्म कर रही है पर एक आय का जो रंग चढ़ गया है ना अनुभवों से पहचान बनाने वाला आय और वो आए हैं ये नाम रूप और नाम रूप कोई एक नाम नहीं है सिर्फ नाम दे दिया रेनी नो ये नाम रूप बना हुआ किससे है चैप्टर के अंदर जो कहानियां नहीं है ये सारी कहानियों को मिलाकर ये नाम रूप बना है सारे अनुभवों को मिलाकर ये नाम रूप बना है सारे अनुभवों को मिलाकर हाँ फिर बोलते हैं मैं उठ गई मैं सो रही हूं मुझे सपना आया कौन था जो सोई वो आप थे जो उठी वो आप थे जिसको सपना आया वो आप थे या जो इन तीनों के थ्रू निरंतर था वो आप थे जो बदला नहीं सोने से उठने से सपने से जो बदला नहीं कौन थे आप नींद बड़ी अच्छी आई आज <laughs> या सपने बहुत आए आज मुझे तो देखो कैसे हम इस पूरे अनुभव से मैं बन जाती हूं उस अनुभव से मैं लगा लेती हूं जो सदा एक रस आई डीपली आज तो बहुत गहरी नींद आई इतना अच्छा लगा जैसे ही उस एक्सपीरियंस से अपनी आइडेंटिटी बनी मैं कौन बन गई इसीलिए तो बाबा बनना शब्द यूज करते हैं बनने का मीनिंग समझा पर सुनता कौन है बनने वाला जिसको नींद बहुत अच्छी आई वो बनना चाहता है निद्राजीत वो एक आइडेंटिटी बन गई आज मुझे नींद अच्छी आई वो टेम्पररी आइडेंटिटी वाली मुझे नींद ये बहुत काल्पनिक है ये एक चीज बट आई एम द वन जो प्रेजेंट थी मैं वो हूं जो प्रेजेंट थी जब नींद खराब आई तो भी नींद अच्छी आई तो भी बुरा सपना आया तो भी अच्छा सपना आया तो भी वो एवर प्रेजेंट बींग कौन था हम्म hmm? कौन था आय जस्ट आय एंड इसीलिए उस आय को माइंड और बॉडी के थ्रू नहीं जाना जा सकता इसीलिए उस आय को अनुभवों में नहीं ढूंढा जा सकता हाँ अनुभवों का ये बंडल है ये सब बिल्कुल इसलिए जब कोई पूछता है कि मैं निरंतर कैसे रहूं या मुझे मुझे बार बार क्या क्या पूछते हैं एक सोचती हूँ हाँ कि मैं बाबा के साथ हमेशा कैसे रहूं आप गए कहाँ थे आप तो हो ही हमेशा गए कहाँ हो आप आप उस संकल्प के साथ चले गए जिसने पूछा मैं बाबा के साथ हमेशा कैसे रहूं मैं अपने आप को संकल्प जो अनुभव दे रहा है ना वो अनुभव मैं नहीं हूं उसके पीछे निरंतर कांस्टेंट वो आत्मा हूं जो संकल्प को देख रही मैं बाबा को हमेशा कैसे याद रखूं इसीलिए तो सबसे बड़ा मोहिनी मोहित करने वाला फैसिनेशन जो है वो है अनुभव इसलिए अभी तक हम आत्मा भी अपने आप को अनुभव में ढूंढती रहती है ढूंढती रहती है ढूंढती रहती है संकल्पों के अनुभव में फीलिंग के अनुभव में इमेजेस के अनुभव में ढूंढती रहती है आकर्षण है हाँ गोल्ड गोल्डन हिरन हाँ सुनहरा हिरण है पर मैं जो हूं उसको तो नाम नहीं दिया जा सकता मैं जो हूं उसको कोई रंग नहीं लगा सकते बाकी सब अजम्पन है हर थॉट एक अजम्पन है हर अनुभव एक अजम्प्शन है अजम्पन मतलब अनुभव एक अजम्पन है थॉट एक अजम्पन है Assumption, अनुमान हाँ अनुमान है थॉट एक अनुमान है अनुभव एक अनुमान है फीलिंग एक अनुमान है सेंसेशन एक अनुमान है ना हाँ मान लेना अनुमान मतलब मान लेना तो अपने आप को निरंतर देखना मतलब अपने आप को वो टीवी स्क्रीन समझना उसके ऊपर रंग बिरंगे अनुभव जो आ रहे हैं संकल्प और बॉडी की सेंसेशंस में बाहर की दुनिया में कुछ नहीं है कुछ नहीं है बाहर की दुनिया को नहीं बोल सकते वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ सनसेट कितना सुंदर सूर्यास्त हो रहा है वो सूर्यास्त खुशी नहीं दे रहा है हाँ जी पूछे एक क्वेश्चन आया है कि अभी आपने कहा ना कि जो कहता है मैं निरंतर बाबा के साथ कैसे रहूं वो भी संकल्प है एंड आप वो संकल्प से आइडेंटिफाई किए हो इसके लिए आपको दूर लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो, ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि आ, हमको ये निश्चय कैसे हो कि मैं संकल्प का स्वरूप बन गई हूँ पर बाबा के साथ नहीं हमको ये निश्चय कैसे हो भी एक संकल्प <laughs> इसका भी अनुभव का है ना हमको निश्चय कैसे हो, ये डाउट है ये डाउट का अनुभव मैं लग रही हूँ मुझे एक्चुअली यू नो आप थोड़ा इसको क्लियर करें ना ताकि ये मेरे को लगता है बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होगा बड़े पूछा है Yeah. ना किसी मीनाक्षी ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे सामने फोन नहीं है क्या पूछा था उन्होंने अगर वो है यहाँ तो मीनाक्षी इज़ नॉट आई थिंक नो शी इज़ नॉट उनका एक क्वेश्चन आया था क्या क्वेश्चन था <laughs> बहुत इम्पोर्टेंट था अच्छा ठीक है जहाँ तक मुझे याद है हा um, होता क्या है आज मैं लिविंग लाइट इस थॉट का स्वरूप हूं मैं निरंतर कैसे पता चलेगा मुझे कि मैं निरंतर बाबा के साथ हूं अभी एक थॉट है हुँ? अब मैं लिविंग बीइंग, थॉटलेस बीइंग, इस थॉट का स्वरूप बन गई है ना स्वरूप बन गई मतलब मुझे लगने लगा ये थॉट के लिमिटेड आइडेंटिटी में मैं फंस गई अब उस थॉट का स्वरूप बनकर मैं बाबा को और अपने आप को ढूंढ रही हूं है।, है ना बाबा को और अपने आप को ढूंढ रही हूं ढूंढ पाऊंगी हद से मैं बेहद को ढूंढ पाऊंगी नहीं पर बेहद से मैं हद को देख सकती हूं जी हा तो ये जो फीलिंग प्रोड्यूस की ना इस थॉट ने बॉडी की सेंसेशंस में मैं निरंतर कैसे याद करूं एक असंतुष्टता की फीलिंग आई एक फ्यूचर के लिए भी एक प्रोजेक्शन आया साथ में yes. इस इस मोमेंट से मेंटिस्फेक्शन असंतुष्टता आई नाउ से असंतुष्टता आई mm -hmm. मतलब अभी कौन बोल रहा है ये कि मैं निरंतर कैसे याद करूं जो निरंतर है वो तो नहीं बोल सकता ये mm. तो किसकी आवाज है जो बोल रहा है मैं निरंतर कैसे याद करूं ये इमेज बोल रही है ना थॉट नंबर वन बोल रहा है मैं निरंतर कैसे याद करूं कैसे पता दूसरा थॉट आता है मैं इसका स्वरूप बनी तो इसके ऊपर एक और कपड़ा चोला चढ़ा लिया दूसरा थॉट बोलता है कि आ, कैसे पता चलेगा मैं निरंतर याद कर रही हूं कि नहीं कर रही हूं दूसरा चोला ऊपर और चढ़ा लिया उतारा नहीं इसको ये समझा विजुअलाइज किया मैं ये हूं यहाँ बैठकर मैं ये हूं फिर दूसरा चोला और चढ़ा लिया उसके ऊपर मैं कैसे पता चलेगा कि मैं निरंतर हूं कि नहीं हूं अच्छा ये चोला पहन लिया फिर एक और ज्ञानी चोला पहन लिया मैं आत्मा हूं निरंतर हूं तीनों चोले चढ़ा लिए ऐसे चोले पे चोले पे चोले ये चोला पहनने के बाद बाकी चोले चढ़ते हैं ऊपर बाकी रंग चढ़ते हैं right? और एक्चुअल में क्या है निरसंकल्प अपनी अगर जान पहचान नहीं स्वरूप मतलब निरसंकल्प स्थिति नहीं जानी तब तक थॉट के ऊपर थॉट के ऊपर थॉट के ऊपर थॉट ही काम कर रहे हैं that is all that is here, एक थॉट ये थॉट है विद इमेज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द बॉडी इसको इसलिए हमने इमेज बनाई है इमेज लगाई है क्योंकि माइंड के अंदर ही ऐसे ही आता है इमेज के रूप में एक वर्ड के रूप में नहीं आता है बॉडी भी साथ में फील होती है अब कैसे दिखाएंगे ना हम बॉडी भी फील हो रही है और अनुभव भी फील हो रहा है एक इमेज भी आएगी और फिर वो पूरा माइंड में एक अनुभव क्रिएट करेगा अब वो अनुभव से आत्मा सोचती है बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आत्मा नहीं सोचती पर आत्मा मन का स्वरूप बनकर सोचती है वाह कितना ब्यूटिफुल सनराइज हुआ है आज तो मैं मधुबन गई थी ना मैं रॉक पे गई थी और मैंने वहां ब्यूटिफुल सनराइज देखा एक एक संकल्प का अनुभव मैं बनती जा रही हूँ बनती जा रही तो कंटिन्यूअस क्या लगता है ये चेंजिंग थॉट्स के अनुभव कंटिन्यूअस लगते हैं तो अब मुझे क्या ध्यान रखना है मैं हूं कौन जो बैकग्राउंड में हूं अटेंशन इंटरेस्ट बी इन द यू दैट यू आर अपने अंदर इंटरेस्ट लें जो उसको देख रही पर क्या इंटरेस्ट लू मेरा मैं तो कोई अनुभव ही नहीं ना तो एकदम तो टेस्टलेस बेस्वाद कोई स्वाद ही नहीं है मेरा मैं अपने आप को क्या देखूं इसीलिए जो भी एक एक अनुभव किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है अगर ये अनुभव भी है बारिश के थॉट का अनुभव रोने का अनुभव खुशी का अनुभव अच्छा अच्छा दिन का अनुभव ये सब किसके बिना पॉसिबल है स्क्रीन नहीं होती तो ये सब कर सकते थे आप अनुभव तो ये स्क्रीन अच्छा जैसे ही मान लीजिए मुझ आत्मा में मैंने देखा है ना कल मैं जैसे है ना जो मेहमान आए हुए ना उनके साथ थी साइलेंटली हम बैठे थे साइलेंटली वॉक पे भी जा रहे थे और साइलेंटली आके वो सेंटर भी चले साथ में सब साइलेंटली हाँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा बादशाह में फालतू की बातों में नहीं आती हाँ और पर अंदर मैं देख रही हूँ उनके साथ वॉक पे भी जा रही हूँ बाहर की दुनिया तो अलग है वो तो स्टिमुलस भी नहीं था मेरे माइंड में तो कुछ और ही दुनिया चल रही थी अनुभव हाँ और पर मैं ये भी देख रही हूँ कि मैं एक साइलेंट बैकग्राउंड हूँ मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही थी चेंजिंग इमेजेस जो माइंड पे आ रही थी और वो अनुभव भी इतना दे नहीं पा रही थी क्योंकि मैं आत्मा अपने साइलेंट स्वरूप को बाबा के साथ बहुत क्लियरली कंबाइंड होकर हम दोनों जैसे उस चेंजिंग देख रहे थे बाहर भी भी हो हो रहे थे, scenes, अंदर भी change हो रहे थे थे अंदर के scenes, और मैं और बाबा एकदम साइलेंटली एकदम साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं सब कुछ चेंज हो रहा है हर लेवल पे चेंज हो रहा है माइंड वर्ल्ड के आगे सीनरीज चेंज हो रही है <coughs> वो जो बातें बोल भी रही हैं बीच बीच में एक एक दो दो चीजें बहुत कम पर एक एक दो दो चीजें बोल भी रही हैं तो वो भी जैसे वो मान लीजिए अपने फोटोज ले रही हैं या फोटोज यू you नो know, फोटोज लेते हैं ना सुंदर सुंदर सीन्स के <coughs> तो माइंड ज्ञानी थॉट दे रहा है वो भी मैं देख रही हूँ कि देखो उनका पार्ट है फोटो लेने का है ना फोटो लेने का पार्ट है उनका फिर है ना एक इसके घर में एक कबर्ड है यहां पर पार्ट में एक कबर्ड है नॉट टू बी टच्ड बाय रीनी जिसको रीनी हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें पड़ी फोटो एल्बम <laughs> मुझे थी वो जलानी बॉन्ड फायर करना था तो उस उस कबर्ड में फैमिली जो है ना उन्होंने बोला तुम इसको हाथ नहीं लगाओगी इस कबर्ड को तुम फोटोज को नहीं जलाओगी <laughs> तो वो एक कबर्ड बनाया नॉट टू बी टच रीनी हाँ अब वो बैठकर जो मेहमान आए वो उन सारी फोटोज को देख रहे हैं <laughs> फिर वो फोटोज को देख रहे हैं फिर मैं क्लास से बाहर निकली तो मैंने कहा वॉक पर जाने वाले थे आप वॉक पर नहीं गए तो उन्होंने कहा नहीं एक्चुअली मैं कबर्ड खोल के है ना वो देख रही थी फोटोस हाँ तो बाबा के साथ तो मैं बैठी हूं और वो भी क्या थोड़ा सा स्पिरिचुअल माइंडेड है हम्म तो ये सब बात करते करते यू नो यू आर स बैकग्राउंड और वो भी एक थॉटलेस बैकग्राउंड है आप इंटरक्शन में आ रहे हो पर आपको पता है कि आप एक वाइट ब्लैंक नहीं है स्क्रीन है अभी उसके ऊपर रंग चढ़ावा था कौन सा वो अपने उसमें उनके बच्चों की भी फोटोज होंगी पता नहीं कुछ कुछ तो होगा तो वो बता रही है हुं? तो मैं आत्मा ये भी देख रही हूँ मेरे मन के अंदर एक ज्ञानी थॉट भी आ रहा है मैं बाबा के साथ भी साइलेंटली बैठी हूं और ये भी देख रही हूं कोई ये क्वेश्चन कभी नहीं आता है कि मैं बोलू कि नहीं बोलू नहीं आता है जब आप इतनी क्लैरिटी में बैठे होते हैं ना तो ये डाउट का दो नहीं आता है कभी भी हम्म तो फिर उनको बोला कि आप फोटोज देख रहे हो क्या कंटिन्यू हो रहा है फोटोज देख रहे हो तो आपने अपनी मेमोरीज को ही तो ताजा किया है फिर माइंड को ताजा कर दिया आपने अपनी हाँ फोटोज देख कर आपको हेल्प हुई उससे वो कोर्स भी ले रही है अभी हाँ वो कोर्स ले रही है अभी तो वो बात हुई और जिस दिन अभी उनका वो कल का जो लेसन था कोर्स में उस लेसन में वो ही था फोटो एल्बम्स वो ही पार्ट था उस लेसन में <laughs> पूरा उनको कार्मिक फिलोसफी उसके आधार पर समझाई बाबा ने हम्म hmm? कहने का मीनिंग है यू जस्ट स्टे ब्लैंक ब्लैंक नहीं यू जस्ट स्टे वाइट एवर हैपी सोल राइट थॉट्स विल कम एट द राइट टाइम सही संकल्प आएंगे सही टाइम पर और सही चीज बोली जाएगी कुछ मैंने प्लान नहीं किया कुछ सोचा नहीं अपने आप ही सब कुछ खुलता गया इफ अगर आपको पता आप निरंतर सुख हो किसी भी संकट के रंग में नहीं रंग रहे हो तो बहुत क्लैरिटी से आप साइलेंस आप आत्मा क्या हो साइलेंस कौन हो साइलेंस नहीं बुद्धि बुद्धि बात में आती है आत्मा कौन है साइलेंस फिर मैं आत्मा अपने मन बुद्धि और संस्कारों को नेचुरली बाबा की नेचर के अनुसार यूज करूंगी क्योंकि मैं प्लेन तो मन भी प्लेन बुद्धि भी प्लेन संस्कार भी प्लेन बाबा समान हो ना क्या बाबा के मन बुद्धि संस्कार उससे अलग पहचान बनाकर बैठे क्या बाबा बोलते हैं मैं अपनी बुद्धि यूज कर रहा हूं क्या बाबा बोलते हैं मैं अपना मन यूज कर रहा हूं निर संकल्प अवस्था में सही समय पर सही विचार ऑटोमैटिकली आता है हां जी क्या बाबा बोलते हैं मैं अपने संस्कारों को यूज करके कल्याणकारी संस्कारों को यूज करके फिर मैं तुमको तुम्हारा कल्याण करता हूं नो no. क्योंकि बाबा के मन बुद्धि संस्कार उससे अलग पहचान बनाकर नहीं बैठे हुए हैं तो अगर मेरा भी नेचर बाबा जैसा है तो स्टॉप यूजिंग दीज वर्ड्स मन बुद्धि संस्कार टू मच सोल एंड गॉड इनफ बाबा ने क्या बोला था वो ऑटोमेटिकली यूज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली लेट देम बी वन विद यू आपके साथ एक हो जाए एक हो जाए तो बाबा का नेचर और बाबा के संस्कार अलग नहीं है पर बाबा हमें बोलता तुम्हारा नेचर मेरा जैसा है पर पुराने संस्कारों को तुम मुझे दे दो तो उससे क्या होगा मेरा नेचर और संस्कार भी बाबा जैसे एक हो जाएंगे आखिर तो मर्ज करना है कि नहीं करना है मन बुद्धि संस्कार को अनादि स्वरूप में फिर सारा टाइम हम मन शब्द तभी यूज करें जब हम उसको अपने आप से अलग करके देखकर उसे उससे अपनी पहचान नहीं बनाते और जब उससे पहचान नहीं बनाते तो वो मुझ में मर्ज हो जाते हाँ जी सही समय पर सही बात इमर्ज होगी कुछ प्लानिंग नहीं है यहाँ मैं उसको ज्ञान दू या वो वो तो जैनिज्म में है मैं उसको ज्ञान दू उसको ज्ञान सुनाऊ कुछ नहीं है यहाँ फुल रिस्पेक्ट फिर वो खुद बोलते हैं सामने से मुझे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग क्या पढ़ाते हैं फिर मैं सोच ही नहीं की बैठी थी फोटो एल्बम की वाला लेसन सामने आ जाएगा मेरे हाँ कोई सोच समझ के नहीं बैठते हैं ऐसे इतना इतना सोचने की जरूरत नहीं होती है इसको कैसे ठीक करूं इसको कैसे लाइफ में मतलब बाहर नजर पड़ी सारी तो नजर बाहर बाह्य मुक्ता में बैठे हैं इस सीन में मैं कैसे एक्ट करूं इस सिचुएशन में मैं कैसे एक्ट व्हाट इज दैट क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है ये ये पेंटिंग का स्वरूप जो बन गई ना ये पेंटिंग का स्वरूप वाला पूछ रहा है मैं इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं मैं इसको इस सीन में मैं अपने आप को कैसे क्या जवाब दूं क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए ये सब बाह्य मुखता है हाँ जी या आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा इनको आपने जैसे कहा है तो शर्वी टेक क्वेस्टन अवर बिकॉज एक दो चैट में भी क्वेश्चन आए हैं तो, uh, तो किसी ने पूछा है कि आपने कहा ना थॉट्स का आधी मध्य अंत होता है तो प्लीज एक्सप्लेन कर रहे ना कैसे होता है तो इसमें वी कैन एक्सप्लेन हाँ जी हर थॉट कितना भी ब्यूटीफुल और अगली थॉट है अब ये थॉट आया ना कि मेरा मेडिटेशन वाह कितना सुंदर मेडिटेशन बाबा बहुत याद हो आप मुझे आज आज तो आप भूल ही नहीं रहे हो मुझे क्या इस थॉट का आधी मध्य अंत है क्योंकि कल कुछ और होगा थॉट का आधी मध्य अंत है ना क्या है, है।, है इस थॉट का भी आधी मध्य अंत है क्योंकि कल अनुभव क्या होगा आज तो बहुत मुश्किल से याद आ रहा है बाबा है हर फीलिंग जो उसके साथ आई उसका भी आधी मध्य अंत है हाँ हर सेंसेशन जो उसके साथ बॉडी में आई उसका भी आधी मध्य अंत है तो जितना आप अपने अनुभवों से इन तीनों थॉट फीलिंग सेंसेशन मेमोरी के अनुभव से साक्षी होते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपको अपना निरंतरता का अनुभव रियल लगेगा आप आत्मा का आधी मध्य अंत है नहीं तो आप तो अनंत हो पर आप आदि मध्य अंत वाले संकल्प से अपनी पहचान और उसकी फीलिंग और उसके सेंसेशन से अपनी पहचान कैसे बना रहे हो हुँ? नहीं ना सीक्वेंस में है हाँ एक सीक्वेंस है सीक्वेंस मर्ज हो जाएगी अनुभवों में भी सीक्वेंस है पर वो सीक्वेंस को पिरोने वाला कौन आत्मा मैं लिविंग एवर प्रेजेंट लाइट संकल्प शुरू हुआ उससे भी पहले मैं थी जब वो चल रहा था तो भी मैं प्रेजेंट थी प्योर हैप्पीनेस जब वो खत्म हुआ तो भी मैं प्रेजेंट हूं नया संकल्प स्टार्ट हुआ तो भी ऐसे मैंने 84 जन्म निकाले पर मैं एवर प्रेजेंट चेंजलेस पीस लव हैप्पीनेस जॉय हूं ये क्लियर हुआ एक क्रम में है भले लग है एक क्रम में है पर है सब अलग गा अलग अनुभव उसको एक क्रम में लाने वाला कौन एक कंटिन्यूटी में लाने वाला कौन मैं लिविंग लाइट है ना हाँ जी क्लियर हुआ अच्छा अच्छा वील टेक मीना कुमारी क्वेश्चन और यू वुड लाइक टू रीड सम इट्स एट ट्वेंटी फाइव हाँ तो आप बोले मीना कुमारी ओम शांति दीदी दीदी मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि आ, वो ना मेरे साथ जो प, वो आत्मा ड्राइवर का रोल प्ले कर रही है मतलब ड्राइवर के पार्ट में है तो वो ट्वेल्व इयर्स से हमारे साथ है हॉस्पिटल जाती है मेरे साथ ट्वेल्व इयर्स से तो दीदी बिल्कुल ठीक था कुछ पीरियड से कोई फाइव सिक्स मंथ से थोड़ा सा ना वो जैसे झूठ बोल देती है, या कुछ मतलब लगता था मुझे कि या कभी बहाने मार देना है ड्यूटी के लिए झूठ बोल देना तो दीदी कुछ नहीं बोला मतलब मैं अन ऐसे अवॉइड ही करती थी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता रिजिस्ट में सप्रेस करती थी शायद वो, नहीं बोल के तो आज आज सुबह मैं सेंटर गई मुरली के लिए तो आज भी सुबह थोड़ा सा उसने फिर से झूठ बोला कुछ मुझे पता चल गया तो दीदी मुरली कर रहे थे मुझे बिल्कुल मुरली में बिल्कुल मन मतलब बिल्कुल मुरली में ध्यान से सुनी नहीं रही थी मैं कोशिश कर ली थी लेकिन मेरी कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी दीदी करवा रही थी मुरली मुझे ये था कि ये मुरली कब खत्म हो तो मैं उसको पूछू दीदी आज तक ट्वेल्व इयर्स में कभी नहीं हुआ ऐसा लेकिन आज मुझे जैसे कोई वो एनफोर्स कर रहा था अंदर से वो मुरली खत्म हुई बड़ी जल्दी जल्दी मैं बड़ी खुश हुई कि मुरली खत्म गई कोई समझ नहीं आई मुझे कोई कुछ भी नहीं दीदी बाहर निकले तो मैंने उनसे पूछा तो उनने थोड़ा सा रिएक्ट कर दिया कि नहीं आप ऐसे मतलब ऐसे ही शक कर रहे हो तो उसके बाद दीदी जो मैंने पूछा जो मेरे अंदर से निकला मैं मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मेरे ही अंदर से निकला ये क्या था दीदी बात ही मत पूछो क्या क्या मैंने बोल दिया उसको शायद वो सप्रेस जो था ना इतने दो साल से था वो सप्रेस में कर रही थी नहीं बोल रही थी तो सर मतलब समझ नहीं आ रही कि ये स्क्रिप्ट ये दीदी स्क्रिप्ट थी okay, जो मेरे कभी कौन, मेरे मेरे कौन मेरे जो सेंटर गई जी मैंने मुरली सुनी नहीं सुनी मैं कौन जिसने वापस जाके सेंटर से निकल कर उससे बात की मैं कौन जिसका कंसंट्रेशन ठीक नहीं था वो मैं ही सारा कुछ कहाँ लगा हुआ था वही वही वो फॉल्स इमेज पे ही था जो वो है ना? इमेज पे है फॉल्स इमेज पे मैं था मैं हर अनुभव से अपनी पहचान बना रही थी मैं सेंटर गई हाँ जी दीदी अभी भी शेयर करते हुए भी, भी मैं सेंटर हां जी गई दी। हां जी दीदी कौन मैं सेंटर गई वही आइडेंटिटी <laughs> फिर मैंने कंसंट्रेशन नहीं किया क्लास में बैठा कौन था आत्मा तो नहीं बैठी थी बैठी थी आत्मा चोला पहन कर हाँ चोला पहन के बैठी थी वही हाँ फिर वो चोला पहनकर मैं कौन जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी वही आइडेंटिटी जो चोला पहन के थी नहीं फिर उसके बाद मैं जो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ वो चोला पहन लिया हाँ जी दीदी फिर मैंने वो कंसंट्रेट नहीं किया ये मैं मुरली कब खत्म होगी ये मैं कौन जिसने बोला मुरली कब खत्म होगी ये वो वाला चोला पहन के जो था थॉट नेक्स्ट थॉट तीसरे चोला पहन लिया मुरली कब खत्म होगी मैं क्लास से सेंटर से बाहर जाऊं और ड्राइवर से बात करूं हाँ, एक एक व्हाट आप पहनते जा रहे हैं एक-एक अनुभव से पहचान बन रही है है ना मैं कौन अगर यही अटेंशन हम देते रहें कि मैं वो लिविंग बीइंग हर एक अनुभव को डिस्टेंस क्रिएट इसीलिए हम कह रहे हैं पहले डिस्टेंस क्रिएट करे आत्मा अपने मन से स्क्रीन okay. अपने ऊपर चलती हुई क्रिएट करे पहले है ना इमेजेस अलग स्क्रीन अलग पहले ये करना पड़ेगा है नहीं अलग पर ये आर्टिफिशियल डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है क्योंकि हम सोचते हैं हम एक हैं तो ये डिस्टेंस क्रिएट करें पहले और फिर जैसे डिस्टेंस क्रिएट होगा तो आपको अपना ट्रू नेचर पता चलेगा अभी तो क्या लगता है हर अनुभव का नेचर मेरा नेचर है हाँ जी हर का नेचर मेरा नेचर है थॉट हैप्पी है तो मैं हैप्पी हूँ थॉट सैड है तो मैं थॉट कंफ्यूज uh, है तो मैं कंफ्यूज हूँ थॉट एक्साइटेड है तो मैं एक्साइटेड हूँ अभी मैं अपना नेचर थॉट के नेचर से कंफ्यूज कर रही हूँ अब मुझे कंफ्यूज मैं नहीं हो रही मैं थॉट का चोला पहन रही हूँ इस, इसलिए अंतर्मुख जीवन जी सकते हैं हम तो ही पॉसिबल है वन हु लिव्स अ लाइफ ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इट इज नेचुरल कॉन्सिक्वेंस इट विल टर्न इन टू सेल्फ अबाइडेंस ओके दीदी एक्चुअली दीदी जब वो जब वो निकल रहा था ना मेरे मुंह से जब मैं बोल रही थी कि आप ऐसे तब तो मुझे दिखाई भी दे रहा था कि मैं बोल रही हूँ मतलब किसको दिखाई दे रहा था थॉट नंबर टू को थॉट नंबर थ्री दिखाई दे रहा था कोई बात नहीं बिना नहीं। thought वाली को दिखाई मुझे कौन जिसको दिखाई दे रहा था मतलब को थॉट दिखाई दे रहा था मैं हाँ जी, जी कोई बात नहीं सभी गए जो शुरू शुरू में आए ना आप अभी शुरू शुरू में आए हैं तो जो यहाँ पर शुरू शुरू है ना वो भी इसी के थ्रू गए हैं सब तो अभी आपकी बारी है इसके थ्रू जाने की प्रॉब्लम no <laughs> है ना तो आई डोंट आई मीन सिस्टर नीलम सिस्टर रेनू और जो भी है पे बता सकते हैं अपना अनुभव कि वो भी शुरू शुरू में पहले थॉट नंबर टू थॉट नंबर थ्री देवाश्री ये सब बता सकते हैं आप अपना अनुभव कि थॉट नंबर थ्री थॉट नंबर फोर को देख रहे हैं मुझे तो यही दिख रहे हैं चेहरे सिस्टर किरण और तो कोई अनम्यूट देवाश्री आपको अनम्यूट करूं ओम शांति ओम शांति जी सेम सेम सिचुएशन गुजर के गए और सीआर भी किए थे दीदी के साथ बस जीरो गिल्ट कॉन्सियस बस देखने का और ज्यादा गहराई में आए देख कौन रहे हैं एक एक चीज चाहते हाँ। ही नहीं तो इसे एक्सेस ना हो हमेशा चाहते पार्ट एक्यूरेट हो पार्ट को एक्यूरेट करने में लगे थे और जब पार्ट ऐसे ऐसे होता था पार्ट को भी चाहते थे कैसे रुक जाए बानी में ना आए फिर भी बानी में आ रहे हैं। तो साइलेंस बींग देख पा रहे हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते थे एक एक-एक सीन अभी तो जैसे आनंद आता है क्योंकि मैं हुई नहीं जो भी नहीं। आ रहा है, है. नहीं। बिल्कुल नहीं लगता है देखना आ गया नहीं। 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 बिल्कुल है ना देखना आ गया और एक्शन में भी अब कम 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 होता जा रहा है इज दैट राइट जी हाँ जी तो धीरे 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 एक्शन भी कम हो रहे हैं पर अपनी स्मृति की मैं हूं ही परफेक्ट वो कहीं नहीं गई मैं हूँ ही वाइट स्क्रीन वो कहीं नहीं गई खुशी गायब नहीं हुई और मन और बॉडी उसके अलाइनमेंट में आता जा रहा है आता जा रहा है आता जा रहा है राइट right? बहुत सारे चेहरे दिख रहे हैं वैसे तो नीलम विवेक भाई सिस्टर सब दिख रहे हैं हां जी <laughs> हां जी कौन अब ना एक चीज और हो गई है ना एक्शन में तो नहीं आता लेकिन जब आ जाता है एक्शन में जैसे इनके एक्शन में आ गया चलो ये एक, एक्चुअली एक फीलर बन गई ना फीलर थिंकर से फीलर हो गई

इसके लिए मैंने खुद तीन चार बार क्वेश्चन पूछा था कि ऐसे कैसे मैं गलती करूंगा फिर मानू भी ना <laughs> फिर उसका पश्चात आप भी ना करें फिर दूसरे को सॉरी भी ना कहने जाए ऐसे कैसे हो सकता है बट नाउ आई वो अंडरस्टूड कम्पलीटली कि उस वक्त मैं एक सपने में चली गई थी वो कर दी मैंने सपने में लात मार दी जो खड़ा था वो किसी को भी एक टांग मार दी जो हुआ सो हुआ अब मैं सपने से बाहर आई तो मैं वापस सपने में जाके फिर थोड़ी ना माफी मांगूंगी वहां अब मुझे याद आ गया कि मैं सपने में चली गई थी तो अब मैं ऐसे सहज हो जाऊं जैसे कुछ हुआ थोड़ी सपने में जाना है और ये से क्या होता है? जैसे आपने अगर भूल गए आपने उसको पकड़ के नहीं रखा सामने वाला भी नहीं पकड़ेगा हाँ हाँ और ये देखा है मैंने होते हुए लाइफ में अभी देखा है छोटी छोटी गलतियां जब होती हैं तो जब से सहज हो जाओ तो सामने वाला थोड़ी देर में भूल जाता है उसे जो समय लगेगा वो उसकी चोट है आ, जैसे आ, मर्जी ठीक हो कि हमें एटलीस्ट एकदम से वापस उसी स्टेशन पे पे प्लेस आ जाना है है ना सामने वाले को भी नहीं वो पकड़ पाते हैं वो उसको अंदर बिठा नहीं देते हैं वो भी लेट गो हो जाता है उनका आसानी से जितना सॉरी बोलेंगे फिर हम सोचेंगे फिर क्या होता है उस पर्सन से अनमने से हो जाते हैं ना बात नहीं कर पाते ढंग से हमारे हाव भाव बदल जाते हैं फिर या तो बहुत प्यार जताते हैं हम या फिर थोड़ा तो दूर, दूर तो हो जाते हैं है ना तो क्योंकि तो तो यहाँ चल रहा है तो यहाँ चल रहा है सिचुएशन को से खत्म बस सिचुएशंस बाहर है ही नहीं सारा कुछ तो जैसे ही हम भूले सामने वाला भूला बिल्कुल बिल्कुल है ना और मैं साइलेंस स्वरूप आत्मा ही भूल सकती हूँ मेरे अंदर ही वो सारी कहानियां मर्ज हो सकती है साइलेंट स्वरूप आत्मा की है ना एज रिनी में दस माफिया मांग लू कुछ नहीं होने वाला है नहीं उससे उसको वो ज्यादा याद आ जाएगी कि ये भी कहा ये भी कहा वो ज्यादा मंगवाएगा और ज्यादा माफी मंगवाएगा सामने वाले और फिर हम गुस्सा होके कहेंगे ऐसा भी क्या कह दिया था जो इतने पीछे पड़ गया है तो इन सब कुछ ही सपना और ही कुछ हो जाएगा कहानी बन जाएगी इसकी हाँ जी विवेक भाई विवेक हम्म अनम्यूट नहीं हो रहा है हाँ जी ओम शांति ओम शांति दीदी अभी कुछ समय पहले एक हद के एजुकेशनल ड्रामा में पार्ट लिया था तो उसमें इन चार्ज जो पार्ट प्ले कर रहे उनका ही रोल बजाना था आपकी तो... आवाज़ है एको हो रही है या आवाज एको अभी ठीक है हाँ अभी ठीक जी जी. तो जब वो मैं पार्ट प्ले कर रहा था तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था कि मैं वो जो आत्मा पार्ट प्ले दूसरा कर रही हूँ उसकी सोच और उसकी इमोशन को मैं एक्सप्रेस कर रही हूँ लेकिन मैं वो नहीं पूरा प्रैक्टिकल गैप दिख रहा था जो एक आर्टिफिशियल गैप हम समझ रहे हैं दो दिन से तो भी कि एक आर्टिफिशियल गैप क्रिएट होता है कि जो पार्ट है और मुझ में तो जैसी वो पार्ट हद का कंप्लीट हुआ थॉट और इमोशन से न्यारे हो गए मुझसे तो तो ये जो डिफरेंस है कि तो उसको मैंने इस बेहद के ड्रामा में निरंतर में यूज कर रहा हूँ कि ये केवल एक खेल मात्र है और जब लास्ट रात को आ, सोने का पार्ट जब प्ले करती हूँ आत्मा तो एक थॉट देकर के उसको मर्ज कर देती मैंने आज कुछ भी नहीं किया, नहीं किया। वेरी गुड mm -hmm. तो जो mm -hmm. टाइमलेस स्थिति में जो आत्मा में रहती रात को वो भी पार्ट एक साक्षी होकर के दिखता है कि मैं के पार्ट में सो रही हूँ वैसे mm -hmm. नहीं सो रही mm -hmm. तो ये एक बेहद के खेल को जीना आ, अच्छा mm -hmm. लग रहा है कि जीवन मुक्त खेल कैसे लगता है कैसे लगता है? है।, है ना किसी भी फीलिंग किसी भी थॉट इवन ये थॉट की मैं सुला रही हूँ शरीर को ये भी एक थॉट एज अ पॉइंटर राइट हाँ जी ये थॉट भी एक पॉइंटर है जो आत्मा का साइलेंट स्वरूप जो कभी नहीं सोता उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है आत्मा नेवर आत्मा नहीं सो रही है बॉडी एंड माइंड गोस टू आत्मा कभी नहीं सोती क्योंकि कॉन्शियसनेस है तभी तो नींद का भी अनुभव है हमें है ना हाँ तो इसलिए बाबा जब बोलते ना आत्मा को निद्राजीत बनो उस आपके इसी एक्सपीरियंस से याद आ रहा है इसलिए शेयर कर रही हूँ आत्मा जब बोलते हैं बाबा जब बोलते हैं आत्मा को निद्राजीत बनो तो वो उस निद्राजीत आत्मा से बात कर रहे हैं जो कभी नहीं सोती है रिनी को निद्राजीत नहीं बनना है आत्मा निद्राजीत है क्योंकि वो उसको निद्रा होती क्या पता नहीं है <laughs> है ना तो निद्रा जी बाबा मैं तो नींद को भी अनुभव करने वाली आत्मा सुला रही हूँ शरीर को पर वो थॉट भी एक मन ही दे रहा है बाबा का जो मेरे साइलेंट ट्रुथ की तरफ पॉइंट कर रहा है वेरी नाइस थैंक यू थैंक यू वुड यू लाइक टू टेक एनी क्वेश्चन या तो फिर हम अनीता का एक क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हां अनीता सिस्टर या अनम्यूट करें प्लीज ओम शांति दीदी ओम शांति जो इसने कल प्रश्न किया था ना दीदी आज आपने सारा बड़ा अच्छे से समझाया लेकिन कल एक आपने लाइन ये भी बोली थी कि लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जांपल अगर आत्मा को बीच से हटा लिया जाए एक लाइन आपने ये बोली थी ना हम आत्मा, आत्मा है तो सब है ये तो समझ लिया लेकिन एक पॉइंट आप कल ने बोला था ना कि अगर हम आत्मा को ही बीच से निकाल दिए तो मैं देखती हूँ सिर्फ संकल्प रहे और अनुभव रहे तो लाइफ कैसे ऐसे हो जाएगी हाँ जी उस, अच्छा। आपने थोड़ा अपोजिट बोला उसको थोड़ा हाँ, करना नहीं नहीं एक्चुअली क्वेश्चन वो ही है अभी हम देखते हैं आत्मा हट जाए तो क्या अनुभव सेंसेशंस ये कहीं भी टिक सकते हैं इनके लिए रहने की कोई जगह है नहीं है ना तो ये सेंसेशन थॉट्स क्या होंगे अगर आत्मा हट जाए तो दे डोंट एग्जिस्ट बिल्कुल है ना उनका एग्जिस्टेंस फिनिस्ड है ना तो बाबा हमें ये बता रहे हैं कि सारे अनुभव चाहे वो संकल्प के हैं फीलिंग के हैं थॉट्स के हैं इमोशंस के हैं ये किसकी तरफ पॉइंट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बिना ये सब कुछ एग्जिस्ट नहीं कर सकता जैसे इसको है ना कभी कोई फोन करता है या कभी कुछ अनुभव शेयर करता है तो इसको बोलते हैं कि मुझे बहुत उदासी फील हो रही है मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं आत्मा हूं ओम शांति वो पूछते हैं कि मैं कैसे अनुभव करूं कि मैं आत्मा हूं राइट मैंने कहा ये जो सैडनेस उदासी का अनुभव है भी ये किसके अंदर चल रहा है ये किसकी किस तरफ कर रहा है? क्या ये उदासी का अनुभव आपके बिना हो सकता है आत्मा वो के बिना वो भी नहीं हो सकता अनुभव भी नहीं हो सकता तो ये अनुभव से पहचान नहीं बनाओ पर अनुभव को जो लाइफ दे रही है उसमें इंटरेस्ट लो ज्यादा ज़्यादा तो ये उदासी का अनुभव है पर अनुभव मैं नहीं हूं मैं कौन उस अनुभव हाँ मैं निरंतर सुख स्वरूप आत्मा जो कि उस उदासी के अनुभव को भी जानती है।, है मेरे बिना उसका है। कोई एग्जिस्टेंस नहीं को एग्जिस्ट हाँ, नहीं कर सकता मैं निरंतर हूँ और उसमें कभी उदासी का रंग आ रहा है कभी खुशी का रंग आ रहा है कभी मूंज का रंग आ रहा है कभी मौज का रंग आ रहा है पर मैं कौन सबको लाइफ देने वाली निरंतर सबको लाइट देने वाली आत्मा इसलिए कोई अनुभव फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं रहता हो सकता वो मुझसे चिपक नहीं सकता क्योंकि अगर मैं नहीं तो सब झड़ की तरह झड़ जाएंगे है ही नहीं पेड़ पे कोई पत्ता ही नहीं है हाँ जी तो जितनी अटेंशन लिविंग लाइट के ऊपर जो निरंतर है जो असली तो रोल अच्छा। तो आत्मा का वो मेन अटेंशन वो मेन वो ही है एक्चुअली में उसके बिना तो कुछ है ही नहीं अटेंशन है भी है हाँ है ही नहीं अटेंशन भी सिर्फ मैं हूं तो अटेंशन भी है हाँ नहीं तो वो भी नहीं वो भी नहीं है ठीक है दीदी ये क्लियर कर रही थी हाँ जी समझ तो आ रही थी लेकिन एक बार मैंने कहा एक सेकेंड ही हाँ। लगेगा ये भी क्लैरिटी हो जाए तो जरा ज्यादा मजा आता है फिर सब क्लियर है अब बिल्कुल दीदी बिल्कुल हाँ जी है? शुक्रिया दीदी शुक्रिया इससे पता चल जाएगा मैं पूरे दिन संकल्पों का स्वरूप बनकर अनुभवों का स्वरूप बनकर टेम्प्रेरी अनुभवों का स्वरूप बनकर जी रही हूं या मैं अपने उस निरंतर कांस्टेंट अनुभव में रहकर कर अनुभवों को देख रही हूं बिल्कुल दीदी टेम्प्ररी अनुभव का स्वरूप बनकर निरंतर को ढूंढ रही हाँ ये ऑपोजिट हो गया ना दीदी जो हम अक्सर किया है या करते थे लेकिन हाँ। अब समझ आया कि निरंतर जो है ना उसका ही मेन रोल है सब एक्सपीरियंस के लिए बिल्कुल हम एक, एक, ट्रेन का एग्जांपल देते हैं फिर फिनिश करते हैं हाँ जी कल क्वेश्चन आंसर में वैसे तो हमने ये दिया था ट्रेन का एग्जांपल बट अगर किसी ने नहीं सुना हो तो तो इसमें है ना ट्रेन में जब हम खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पर वो आत्मा खड़ी है मान लीजिए रिनी खड़ी मतलब मान लीजिए कोई पैसेंजर है वो पैसेंजर आत्मा का सिंबल है मेटाफोर यूज कर रहे हैं मेटाफोर हिंदी में क्या बोलते हैं हम एक अनालजी uh, यूज कर रहे हैं हा पर्सन है uh, पैसेंजर है आत्मा जो खड़ी है प्लेटफॉर्म पर ट्रेन है थॉट्स जो आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे Hmm? जो पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे स्टिल खड़ा है और साइलेंटली खड़ा है उसको हर आती हुई ट्रेन की आवाज भी सुनाई देगी हर जाती हुई थॉट की स्पीड भी दिखाई देगी और बहुत सारी ट्रेन आ रही हैं जा रही हैं प्लेटफॉर्म पे एक नहीं बहुत सारी आ रही हैं जा रही है। जो स्टिल और साइलेंट खड़ा है उसको हर थॉट साक्षी हो के होके नहीं साक्षी वर्ड भी नहीं साथी और साक्षी साथ में देख रहे हैं hmm. प्लेटफॉर्म पे हर आती जाती ट्रेन को राइट कोई प्रॉब्लम नहीं है अब मैं ट्रेन पे बैठ जाती हूं दो मिनट मतलब मैं आत्मा थॉट का स्वरूप बन के थॉट के अंदर बैठ गई अपने आप को वो थॉट मान लिया अब मैं ट्रेन में बैठ गई तो उस थॉट में स्वरूप बनकर हर ट्रेन आती है मैं भले खड़ी भी हूं तो भी मुझे लगेगा मैं भी चल रही हूँ वो भी चल रही मैं भी चल रही हूँ वो भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है सब कुछ मूव हो रहा है बिल्कुल ये वाली फीलिंग आएगी यू आर नॉट मूविंग हाँ वही होते हो दीदी आपने बताया ही था ये एक बार बता चुके हैं कार का एक्सपीरियंस भी ऐसे होता है ना कभी तो कभी आप गाड़ी पकड़ के बैठी हूँ लग रहा है कि मैं तो नहीं हिली मैं चल रही हिली मैं चली पर मैं, मैं चली नहीं बहुत बार होता है ना दीदी ऐसे कि मैं चल पड़ी कैसे चल पड़ी हूँ तो ब्रेक पे पैर रखा हुआ है लेकिन वो सत्य नहीं होता है लगता है सत्य नहीं वो लगता है ऑप्टिकल इल्यूजन है वो तो है ये टाइम और थॉट्स जो है ना टाइम का क्रिएशन करके एक ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट करते हैं एक भ्रम क्रिएट करते हैं मैं आत्मा मूव नहीं हो रही हूँ मेरी फीलिंग चेंज नहीं हो रही है पर जो चेंजिंग फीलिंग्स जो ट्रेन आ रही है जा रही है आ रही है जा रही है वो लगता है वो मैं हूं तो फिर मैं उसमें बैठकर दूसरी ट्रेन को देखती हूँ है ना? अच्छा। ट्रेन में बैठना ही नहीं है थॉट्स में बैठना ही नहीं है मैं हूँ आत्मा स्टिल साइलेंट और बाबा के साथ हूँ और सब कुछ तभी तो बाबा बोलता है मेरे साथ मेरे साथ रहो क्योंकि वो मूव नहीं होता है वो स्टिल है तो मैं उसके साथ रहूंगी तो मुझे अपनी स्टिलनेस रियलिटी दिखेगी मैं थॉट्स के साथ रहूंगी तो थॉट्स का मूवमेंट चेंजिंग रंग भाव हाव सब मुझे अपने लगेंगे मैं लगूंगी बिल्कुल देते हैं। हाँ, हाँ, ना? बिल्कुल बाबा बोलते हैं संकल्पों के रंग में मत रंगो मेरे रंग में रंग मतलब अपनी silence, stillness को पहचान हाँ जी बिल्कुल। एक लास्ट क्वेश्चन ले सकते हैं क्या आप पावनी ने तीन चार बार मैसेज किया है ये yeah. पावनी है आप ग्रुप में ना तो क्वेश्चन ले तो लेंगे या yeah. yeah. तो अभी इनका दीदी क्वेश्चन है जब शेम्यूट uh, यूर पावनी वुड यू लाइक टू रीड इट और दीदी दीदी एक क्वेश्चन था कि uh, जब मुझे न्यू बर्थ में पार्ट अनफोल्ड होता है तो कैन वी से बॉडी भी उस पार्ट के अकॉर्डिंग मन के अंदर ही अनफोल्ड होती है जो बॉडी लाइक बंडल ऑफ सेंसेशन से बनी हुई है मन के अंदर ही वो अनफोल्ड होती है मन के थ्रू ही मैं अनुभव करती हूँ बॉडी को नहीं तो बॉडी जड़ है अनुभव माइंड के थ्रू होता है तो वो रियल फील होती है सेंसेशंस कहाँ फीलिंग कहाँ होती है सेंसेशंस की बॉडी बॉडी में Body में सेंसेशंस तो है पर फीलिंग उसका अनुभव कहाँ होता है मन में आत्मा के मन के द्वारा उनका सेंसेशंस का अनुभव होता है नहीं आ. नहीं क्लियर हुआ दी इसको प्लीज एक बार फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप फूड के टेस्ट को कहाँ अनुभव करते हो जीप तो मुर्दे में भी होती है उसको उसको खाना खिलाओ मुर्दे को भोजन डालो मुंह खोल के अंदर उसके आम डालो उसको अनुभव होगा नहीं नहीं आत्मा मन के द्वारा मन में एक मेमोरी है जो सीखी सिखाई है जन्मों जन्मों उस स्क्रिप्ट के अनुसार एक अनुभव की एक उस टेस्ट की अनुभव होती है उससे उसको पता चलता है स्वीट है इसका टेस्ट हापुस का ऐसा है, लंगड़े का ऐसा है, है ये कहाँ है सारा अनुभव, डिस्क्रिप्शन, उसमें है सारा अनुभव बट फिर जो बॉडी है विच इज मतलब जिसमें वो सेंसेशन दिखती हैं तो हर एक पार्ट में जो मैं आत्मा प्ले करती हूँ एटी फोर में वो डिसाइडेड होती है मतलब वो बेसिकली आप बॉडी प्रीस्क्रिप्टेड है बिल्कुल है ओके okay. सब प्रीस्क्रिप्टेड है तभी तो बाबा बोलते क्यों सोचते हो ये माइंड बॉडी के बारे में अपने ऊपर रखो ना ध्यान में और बाबा बाकी सब छोड़ो बातें एक्चुअली बॉडी दिखाई देती है ना तो हाँ तो <laughs> किसको दिखाई देती है मन के लेंस के द्वारा दिखाई देती है राइट right. हाँ आंखें बंद कर लो देखो कितनी बॉडी दिखती है हाँ जी दिखेगी फिर भी हाँ मन की स्क्रीन पे अभी भी बॉडी दिखेगी क्योंकि जब भी हम किसी को मिलते हैं तो भी हमें सबसे पहले उसका चेहरा उसकी बॉडी दिखती है हाँ, सबसे पहले उसका चेहरा उसकी बॉडी उसकी स्किन हाँ। उसके बाल सब दिखते हैं फिर उससे रिलेटेड जो भी थॉट्स या मेमोरी हमारे उसके रिलेटेड जो भी कुछ होता है वो आता है फिर बाद में दैट्स ओके okay. ये सब अनुभव हैं. आप है ये सब नहीं नथिंग बॉडी okay. तो दिखेगी ना ऐसा थोड़ी ना कि माइंड के थ्रू हमें ये ढांचा नहीं दिखेगा जो कि सॉलिड दिख रहा है दिख रहा है नो no प्रॉब्लम ये अनुभव किसके अंदर okay. हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है हम अनुभव के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है कि ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए ये होना नहीं चाहिए वाली भाषा तो हम बोलते ही नहीं है यहाँ जो नहीं होना चाहिए वो ज्यादा होता है राइट तो होना नहीं चाहिए वाली भाषा नहीं अच्छा ये एक बॉडी सॉलिड दिखने का भी एक अनुभव है माइंड के थ्रू मेरे अंदर मुझे आत्मा के अंदर जो खुद बॉडीलेस है उसके अंदर ये सॉलिड बॉडी कहाँ दिखेगी परम धाम में नहीं ऑफ कोर्स ये भी एक अनुभव है सॉलिडिटी एक्सपीरियंस एक अनुभव है सारे मेरे मैं अनुभवों के कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हूँ मुझसे अलग है गलत नहीं है वो अनुभव पर वो मेरे अंदर हो रहे हैं सब hmm. स्क्रीन के अंदर सारी इमेजेस हैं स्क्रीन के ऊपर भी हैं अंदर भी हैं सब मूवमेंट सारा स्क्रीन के ऊपर है स्क्रीन खुद मूव नहीं हो रही है सो वी कैन से कि बॉडी भी मन के अंदर है मन हाँ, के अंदर का अनुभव है सेंसेशंस से और संस्कारों के रूप में ब्लूप्रिंट में है ना बॉडी ओके okay. उसी अनुसार आपको ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स साथ में आते हैं ना हम्म हम्म राइट हां जी थैंक यू थैंक यू बाबा ठीक hmm. है हम खत्म hmm. करते हैं yeah. ओम शांति Thank you. Thank you.